When there is a problem, there is an opportunity. मेरे साथ ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे साथ जो है वो ये मसाइल हो रहे हैं और मैं ग्रो नहीं कर पा रहा. Entrepreneurship is identify the problem and seize that opportunity. When there is a problem, there is an opportunity. मेरे साथ ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे साथ जो है वो ये मसाइल हो रहे हैं और मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ. ये रोना छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं होगा. अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नाजिल नहीं की, मगर उसका क्या नाजिल किया है? शिफा. सवाल ये है कि तुमने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. पैसे बनाओ कोई मसले की बात नहीं. एंटरप्रेन्योरशिप इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सीज दैट अपॉर्चुनिटी. खत्म. तो जिंदगी का तुम्हारा माइंड सेट बदल जाएगा, तुम प्रॉब्लम्स पे फोकस करना शुरू कर दोगे, ना कि रोना कि यार ये क्यों है, ये तो तुम्हें तुम्हारे लिए है भाई, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी के लिए. अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी भाई, लेकिन सबसे बड़ा जालिम अपने साथ आदमी वो है जो अपने आप को लॉक लगा दे. रिसोर्स हमेशा कम होगा. अपने आप को ये बोलना छोड़ दो कि जब इतना जमा हो जाएगा तब मैं ये काम करूंगा. इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर गोइंग टू हैपन. ये एक बहाना है. स्टार्ट विथ स्मॉल, जितना है उससे स्टार्ट लो. अगर क्या बनाया अगर इन्वेस्टर नहीं पकड़ सके तो क्या पीआर है तुम्हारी. सारा मसला ये है ना, हम समझ रहे थे कि आइडिया और इनोवेशन और कैपिटल से होगा. भाई पीआर वाज इंपॉर्टेंट इन जॉब एंड इन बिजनेस, वरना एक कंपनी में रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे. पीआर कमजोर है और बिजनेस के अंदर कैपिटल इकट्ठा नहीं कर पाओगे, लोगों को कन्विंस ही नहीं कर सके यार इन्वेस्ट करो रिटर्न दूंगा आपको मैं. पीआर में कमजोर हूं, लोग संभालने नहीं आते. तो भाई जॉब के अंदर सीखो ना, किसी और का पैसा लगा हुआ है, बंदे किस तरह संभालते हैं. तो खाली कैपिटल और आइडिया नहीं बचाएगा तुम्हें भाई, तुम्हें लोग संभालने आते नहीं आते, लोगों की वल्नरेबिलिटीज के साथ खेलना आता है नहीं आता. कहीं पे नरम हो जाओगे तबीयत के हो तो एक्सप्लॉइट तो नहीं होगे, ब्लैकमेल तो नहीं होगे, प्रेशर हैंडलिंग आती है नहीं आती. ACCA और CA का ताल्लुक नंबर्स अकाउंटिंग के साथ है, बट इट अलॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी एटीट्यूड. कल को ये डिग्री तुम्हें भाई एक फील्ड के अंदर तुम्हें घुसा तो सकती है, एंट्री दे सकती है, ग्रो नहीं करा सकती. ये गलत फहमी मत छोड़ना कि ये नंबर तो तुम आज हासिल कर रहे हो ये तुम्हें ग्रोथ देगा. नहीं, ये तुम्हें उस गेट के अंदर जाने का परमिट है तुम्हारे पास. उसके बाद तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तुम्हारी रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सुपर नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट, कि रिसोर्स तुम्हारे पास कम होगा पूरा किस तरह करोगे. दुश्मन तुम्हारे बहुत होंगे, स्टेरियोटाइप्स छेड़ोगे, दूसरे क्लाइंट्स डिस्टर्ब होंगे, तुम्हारे क्लाइंट्स लोग मार के जाएंगे, लोग रोना शुरू कर देते हैं यार इतना अजीब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वो मेरा टेंडर निकाल गया या वो मेरे कोटेशन निकाल गया या वो मेरे बंदे तोड़ गया या मेरा यार फलां बंदा जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. ये 10 चीजें होंगी, किस तरह सर्वाइव करोगे. मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मैं खाली कह रहा हूं जहन खुला रखें, मेहनत करें डिग्री के ऊपर जितनी करनी है. एंट्री परमिट है ये फील्ड का, बस एंट्री लेने के बाद ऑलवेज थिंक ऑफ अपॉर्चुनिटीज.